वंदे माय डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट टू न्यू टॉपिक फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स लीव्स आर द फूड फैक्टरी ऑफ द प्लांट्स लीव्स का मीनिंग क्या होता है पत्ते वो क्या है फूड फैक्टरी है प्लांट्स की डेयर फॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लिफ जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहां पर पहुंचते हैं लिप के पास पहुंचते हैं वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दॉयल एंड एब्जॉर्ब बाई द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लिव्स वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वह सॉइल में ऑलवेज भी प्रेजेंट रहते हैं एंड एबजॉर्ब एबजॉर्ब यानी शोषण करना तो कौन शोषण करते हैं रूट शोषण करते हैं एंड किसको ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स को यानी पट्टे को ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिवस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके थ्रू होता है एयर के थ्रू होता है उसके टाइनी पोरस होता है यानी स्मॉल पोरस होता है और वो किसके सरफेस पे होता है लिप्स के सरफेस पे होता है द पोरस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल सच पोरस आर कॉल्ड टोमेटा सोमेटा किसको बोलते हैं जो भी टाइनी पोरस होते हैं सराउंडेड बाय द गार्ड सेल ग्लास के, के सराउंड लाजू बाजू जो होते हैं वो जो पोरस होते हैं इसको क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर फिगर नंबर वन पॉइंट वन सेल यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स बिल्डिंग ऑफ मेड ऑफ ब्रिक्स यानी बड़े बड़े बिल्डिंग से वो ब्रिक्स से हिसाब से वो बना हुआ होता है सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल सेल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी जीवो होते हैं जिंदा वो टाइनी यूनिट यानी स्मॉल यूनिट्स में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सेल्स बोलते हैं सेल्स कैन बी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स जो है इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दे सकते हैं हम नेक आइस से इसको सेल्स को दे नहीं सकते सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके मेड ऑफ ओनली वन सेल से ही वो बना हुआ होता है द सेल इज एनक्लोज इन आउटर बॉडी सेल की जो आउटर बॉडी होती है इट इज कॉल्ड सेल मेम्बरन तो उसको क्या बोलते हैं सेल मेम्बरन बोलते हैं मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल न्यूक्लियस जो भी सेल होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर वो यानी बीच के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पेरिकल होता है तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई द जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाजम न्यूक्लियस इज सराउंडेड उसके आजू बाजू जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होते है जेली लाइक -like के पदार्थ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं साइटोप्लाजम यू कैन सीन द फिगर वन पॉइंट वन अपर साइड न्यूक्लियस आपको फर्स्ट ऊपर से अपर साइड दिखाई रहा है न्यूक्लियस कैसे है गोर कलर का इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं और उसके कैसे बोलते है साइटोप्लाज्म है, है, -like है. तो -like तो बोलते हैं साइटो है. सेल मेंस किसको बोलते है इधर जो बाहर है दिखाई देता है इधर उसको क्या बोलते हैं सेल यानी आउटर बाउंड्री है उसको बाहर की उसको क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। वाटर एंड आर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय द वेसल व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स। वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो कहा ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके पास जाते हैं है. यानी पट्टी पट्टी के पास जाते हैं पट्टे के पास जाते हैं विच रन लाइक पाइप थ्रू टू द रूस तो वेस्ल डू और पाइप लाइन थ्रू वहां रूस के पास उसको भेजा जाता है उसके बाद द स्टीम ब्रांचिस द लिवस आगे कहाँ पे जाता है स्टीम के पास जाता है ब्रांचिस के पास जाता है एंड लीव्स के पास जाता है ग्रे फॉर्म कंटिन्यूस पार्ट और पैसेड फ्रॉम द न्यूट्रिय टू रीच द लिव तो उसका पार्ट कैसे होना चाहिए Continuous नहीं होना चाहिए और तो ही वो पास होगा तो भी न्यूट्रिएंट्स वो लिब के पास पहुंचेंगे रीच हो गए यानी पहुंचेंगे दे आर कॉल तो उसको क्या बोलते हैं वेसल बोलते हैं द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल के ऊपर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं इट हेल्प लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट लीव्स यानी पट्टे जो होते हैं वो सनलाइट थ्रू एनर्जी कैप्चर करते हैं यू कैन सी इन फिगर नंबर वन पॉइंट थ्री इज सनलाइट इट क्लोरोफिल इन लिफ क्लोरोफिल किसमें दिखाई है जाता है लीफ में यानी पट्टी में दिखाई जाता है दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो भी एनर्जी है सिंथेटिक यानी अपना जो फूड बनाती है प्रिपेयर फूड करती है कार्बन डाइक्साइड एंड वॉटर सिंस सिंथेटिक फूड अकर्स इन दिशंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटो सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं जो भी खाना प्रिपेयर कर रही है वो तो किसकी हाजरी में हो रहा है सनलाइट थ्रू हो रहा है तो इसीलिए उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाता है फोटो सिंथेटिक प्रोसेस बोला जाता है सो वी फाइंड क्लोरोफिल्ड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है वॉटर होता है नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथे फोटोसिंथेसिक प्रोसेस में वो जरूरी होता है द सोलर सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लिवस जो भी सोलर की एनर्जी होती हो, है वो कैप्चर्ड बाई द लिवस पट्टे उनको कैप्चर करते हैं एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड वो फ्रूट बनाने में फ्रूट प्रिफेयर करने में उसके मदद आती है थर्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सन जो है वो सब आप तो जानते ही है अल्टीमेट सोर्स है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जिंदा जीवों के लिए सन क्या है अल्टीमेट सोर्स है सन नहीं होगा तो हम कोई जी नहीं पाएंगे इन दबसेंस ऑफ फोटोसिंथेटिकुड नॉट बी एनी फूड फोटोसिंथेटिक के बिना फूड नहीं बना सकते द सर्वाइल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपन ऑन द फूड मेड बाय द्लांट्स उसका मीनिंग क्या होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड बनाने के लिए किसके ऊपर निर्भर रहता है ओनली फॉर पांच के ऊपर ही निर्भर रहता है ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सभी जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस के ऊपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोसेस है वहाँ उसको प्रोड्यूस होते हैं इन द एबसेंस ऑफ द फोटोसिंथसिक लाइफ वुड बी इम्पोसिबल ऑन डॉट अगर फोटो सिंथेसिक प्रोसेस नहीं होती तो लाइफ को इस पृथ्वी पर लाइफ को जीना असंभव होता क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल द लीव्स। फिगर नंबर वन फोर्टी डायाग्राम शोइंग ऑन फोटोसिंसेसिक तो आप सभी अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट एनर्जी आ रही है और लाइट के जो है सन थ्रू है सन के जो जो भी लाइट है वो कहाँ पे गिर रही है लिप के ऊपर गिर रही है तो वहां पे क्या होगा कौन सा गैस अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इन एंड रिलीज टू द ऑक्सीजन वो दिखाई देता है आपको एंड क्लोरोफिल है इन द तो इधर आपको क्लोरोफिल दिखाई देता है एंड लास्ट वन दैम रूस वाटर एंड मिनरल्स रूस में

प्रेजेंट रहता है द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन इन दोनों प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल होता है एंड कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन सनलाइट और क्लोरोफिल के हाजिरी में ही वो होता है यू कैन सीन फिगर ए लीफ तो यहाँ पे आप पट्टे की और दे सकते हैं। पट्टे का फिगर ये सब दे सकते हैं फिगर बी सेक्शन ऑफ द लीफ तो यहाँ पे जो होता है वहाँ स्मॉल वो क्या है क्लोरोफिल है आपको दिखाई देता है और उसके जस्ट नीचे पार्ट में होता है तो उसको क्या बोलते हैं गार्डसेट बोलते हैं और उसके बाजू में जो होता है स्मॉल बार उसके क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं लास्ट फिगर सी फिगर स्टोमेटा तो स्टोमेटा में जो बीच में जो स्टोमे, स्टोमेटल ओपनिंग है वो एकदम बीच में आएगा उसको क्या बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं एंड उसके बाजू में जो सेल है आपको है, जो उसको क्या बोलते हैं गार्ड सेट बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज प्रोसेस प्रोसेस में क्या होता है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्क ज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट उस टाक जो है वो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ऑल द स्टूडेंट वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो